सब्सक्राइब टैक टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेसिफिकेशन पक लाइव सुपर चैट के साथ ताहिर गोरा संडे मॉर्निंग टोरोंटो न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के टाइम के मुताबिक आपकी खिदमत में हाजिर है और इस भारत में रात का समय है शाम का समय है और शाम और रात के बीच का जो वक्त है वो है और यही वक्त इस वक्त आलमोस्ट पाकिस्तान में है और यूरोप में इस वक्त लेट आफ्टरनून है आज का सुपर चैट बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है मैं सोच रहा था कि वीकेंड पर आपके साथ बातचीत शुरू की जाए वीकेंड के कुछ मुद्दे होते हैं वो आपके साथ लाए जाएं और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मिस हो जाती हैं और आपके साथ की जाए आज का वक्त बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए और मेरे लिए भी हम कोशिश करेंगे कि वीकेंड पे कोई ऐसा वक्त आपके साथ रखें जो हमारे ऐसे व्यूअर्स को जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में रहते हैं उनको भी सूट करें यानी टोरंटो न्यूयॉर्क में सुबह का वक्त हो अर्ली सुबह का वक्त हो भारत में शाम हो और उस वक्त रात होगी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आज मैं सिर्फ और सिर्फ एक तरह की टेस्टिंग भी कर रहा हूँ कि अनएक्सपेक्टेड जब लाइव सुपर चैट जाती है तो उस वक्त सूरत हाल क्या होती है मैं मैं वो भी आपके साथ ये एक तरह से कर रहा हूँ और साथ साथ में चेक भी कर रहा हूँ कि आप के साथ जब हम जुड़े हुए हैं तो हमारी ये जो जुड़त है इस वक्त अनएक्सपेक्टेड जुड़त जो है वो आपके साथ कितना इंगेज करती है बहुत सारी बातें हैं इससे पहले कि मैं उन सब बातों पे बातचीत शुरू करूं, आज की जो बातें हैं वो थोड़ी सी थोड़ी सी मुख्तलफ हैं आपको अंदाजा है कि वीकेंड के मौका पर खास तौर पर हम वो बातें किया करते हैं जो जो आर्ट और कल्चर के बारे में होती है मैं रात को नेटफ्लिक्स पर और आई टी पर आ, फिल्में देख रहा था तो उसमें एक तहरान फिल्म के कुछ आ, अभी तक सीरियल्स आए हैं उस पर भी बात होगी लेकिन मैं सुबह शोर नहीं था आपके साथ सुपरचैट करूंगा अक्षय कुमार जी का एक वीडियो देखा जो उन्होंने अपने ट्विटर पर लगाया तो मेरा जी चाहा कि उस वीडियो को रेफरेंस बना के आपके साथ बातचीत करूं क्योंकि संडे को या वीकेंड पे जो अब हम आपके साथ बाकायदगी से शो लाया करेंगे उसमें हम बातचीत किया करेंगे आर्ट और कल्चर के कॉन्टेक्ट में जो समाज का पॉलिटिकल ढांचा है और जो समाज का सोशल ढांचा है उस पर हम बातचीत किया करेंगे आज के सुपरचैट में भी मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा आपके कमेंट्स देखूँगा आपके कंसर्न्स को समझूंगा और आप हमें कंट्रीब्यूट और डोनेट भी कर सकते हैं और कंट्रीब्यूट डोनेट करने के लिए सबसे बढ़िया जो जरिया है वो पे पॉल डॉट मी स्लैश टैग टी इंटरनेशनल है पे पॉल डॉट मी स्लैश टैग टी इंटरनेशनल है अब मैं अपने रेफरेंस पॉइंट की तरफ आता हूँ इस वक्त अक्षय कुमार जी का एक जो वीडियो है वो इस वक्त उनके वायरल के जरिए सोशल मीडिया पर एक तरह से वायरल हुआ हुआ वा है उसमें उन्होंने प्ली ली है कि भई आप तमाम आर्टिस्टों को बुरा ना समझें इस वक्त कोविड नाइन्टीन के ज़माने में जो आर्टिस्ट हैं और जो बड़े बड़े सेलेब्रिटीज़ हैं वो एक तरह से नॉन इसेंशल बन गए हैं आर्टिस्ट का ये हमेशा से ख्वाहिश रही कि भाई हम किसी पॉलिटिकल झगड़े में ना आए बस हम सीधे सीधे वो जैसे कहते हैं ना मक्खन से बाल की तरह निकल जाएं Uh, हमें जहाँ जहाँ से बेनिफिट्स हो वो भी लें हम करोड़पति अरबपति भी बन जाएं मगर हम समाज में डायरेक्ट ना आए जब हमारी को पावर होगी तो हम सोशल एक्टिविस्ट भी बन जाएं हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी बन जाएं और हम पॉलिटिशियन भी बन जाएं मगर सब अच्छा ही रहे सब अच्छा रहे और अगर कहीं पे भी क्रिटिसिजम आता है बुरा आता है तो फिर आर्ट की दुहाई डालें मगर कोविड नाइन्टीन ने ये बता दिया कि अगर सैनमा बंद हैं अगर ये बड़े बड़े फुटबॉल और हॉकी के खिलाड़ी नहीं अवेलेबल मैदानों में वो हालात नहीं हैं तो दुनिया में क्या फ़र्क पड़ता है पहले मैं चाहता हूँ कि आप अक्षय कुमार जी का वो वीडियो क्लिप देखें और फिर मैं अपनी बात आज थोड़े भारी दिल से आपसे बात कर रहा हूं पिछले कुछ हफ्तों में बहुत सारी बातें आई मन में कहने के लिए लेकिन हर तरफ इतनी नेगेटिविटी है कि समझ में नहीं आता है कि क्या बोलूं किससे बोलूं कितना बोलूं देखिए स्टार्स भले ही हम कहलाते हैं लेकिन बॉलीवुड को आपने अपने प्यार से बनाया हम सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है हमने फिल्मों के जरिए हमारे देश के कल्चर हमारी वैल्यूज को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया जब, जब 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 हमारे देश की जनता के सेंटिमेंट्स की बात आई जो भी जैसा भी आप महसूस कर रहे थे इतने सालों से फिल्मों ने उसे ही दिखाने की कोशिश की है चाहे वो एंग्री यंग मैन वाला आक्रोश हो या फिर करप्शन हो गरीबी हो बेरोजगारी हो हर इशू को सिनेमा ने अपने तरीके से दिखाने की कोशिश की है ऐसे में अगर आज आपके सेंटिमेंट में गुस्सा है तो वो गुस्सा भी हमारे सर माथे पर है सुशांत सिंह राजपूत की सडन डेथ के बाद से ऐसे बहुत से इश्यूज सामने आए हैं जिन्होंने हमें भी इतना ही दर्द दिया है जितना आप सबको और इन मुद्दों ने हमें अपने खुद के गिरेबान में झांकने को मजबूर किया है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी बहुत सी खामियों को देखने को मजबूर किया है जिन पे ध्यान जाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है जैसे नर्कोटिक्स और ड्रग्स के बारे में आजकल बात हो रही है मैं आज दिल पे हाथ रख के कैसे आपसे झूठ बोल दूं कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती जरूर करती है वैसे ही जैसे हर इंडस्ट्री पर हर प्रोफेशन में होती होगी पर हर प्रोफेशन का हर इंसान उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो ऐसा ऐसा नहीं हो सकता ऐसा थोड़ी होता है ड्रग्स इज अ लीगल मैटर और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज और कोर्ट्स इस पर जो भी जांच जो भी एक्शन ले रही है वो बिल्कुल सही होगा और मैं ये भी जानता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री का हर इंसान उनके साथ पूरी तरह कॉपरेट करेगा पर प्लीज हाथ जोड़ के कहता हूं ऐसा तो मत करो ना कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री को एक ही बदनाम दुनिया जैसी नजरों के साथ देखने लगो यह सही नहीं है यह तो गलत है ना मुझे पर्सनली हमेशा से मीडिया की ताकत में बहुत विश्वास रहा है हमारा मीडिया अगर सही मुद्दे सही वक्त पे ना उठाए तो शायद बहुत से लोगों को ना आवाज़ मिलेगी ना इंसाफ मैं मीडिया से तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो अपना काम अपनी आवाज़ उठाना जारी रखे लेकिन प्लीज़ थोड़ा सेंसिटिवली क्योंकि एक नेगेटिव न्यूज़ किसी इंसान के सालों की रेपुटेशन बरसों की कड़ी मेहनत को बर्बाद करके रख देगा और आखिर में आप फैंस आप लोगों को मेरा यही मैसेज है कि यार आप सब नहीं तो हमें बनाया है आपका विश्वास जाने नहीं देंगे अगर आपको कोई नाराजगी है तो हम और मेहनत करेंगे अपनी खामियों को दूर करने की आपका प्यार और विश्वास जीत के रहेंगे यार आप हो तो हम हैं बस साथ निभाए रहना साथ बनाए रखना थैंक यू थैंक यू वेरी मच अक्षय कुमार जी के इस वीडियो को जहां सोशल मीडिया पर लोगों ने आ, हाथों हाथ लिया है वहां पर आड़े हाथों भी लिया है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अक्षय जी आप तब तो नहीं बोले थे जब सुशांत की इस तरह की हलाकत हुई या इस तरह का एलैज मर्डर हुआ चूकि उसके बारे में मैं ही कह सकता हूं अभी तक आप उस वक्त तो नहीं बोले जब तक श्री देवी का जब हुआ था मर्डर हुआ था या वो भी एलेज मर्डर था तो आप इस वक्त बोल रहे हैं आपकी नई फिल्म आने वाली है ये जो आड़े हाथों लेने वाले लोग हैं ज्यादा वैसे अक्षय कुमार जी को आड़े हाथों लिया है लोगों ने अक्षय कुमार जी बुनियादी तौर पर अच्छे ख्याल के साथी हैं लेकिन ये जो आर्ट कल्चर की दुनिया है ये बड़ी स्लिपरी दुनिया है ये अल्टीमेटली अपनी पॉपुलैरिटी के लिए होती है और इसके अलावा इस पर आपको कोई कंट्रोवर्शियल बात करना सूट नहीं करता अच्छा नहीं लगता आप देखिए ना जैसे कंगना ने बातें की हैं तो उनको जहां पर बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया वहां उनको भी आड़े हाथों लिया लेकिन कंगना ने अपनी पोजीशन ली है कंगना जी ने ये नहीं किया कि आधा इधर भी खुश रखने के लिए आधा उधर भी खुश रखने के लिए ऐसा मुमकिन नहीं होता लेकिन हमारे ये जो आर्ट कल्चर राइटिंग की दुनिया है हम बहुत ज़्यादा जो इस चक्कर में रहते हैं पॉलिटिशियंस भी पॉलिटिक्स ऑफ अपीज़मेंट कम करता है जितनी हम आर्टिस्ट करते हैं मैं हम का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मेरी कई किताबें पब्लिश हुई हैं नावल पब्लिश हुए हैं शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक्स पब्लिश हुई हैं मेरे लिए ये हमेशा से एक चैलेंज रहा कि मैं खुल के बात करूं या ना करूं हक का साथ दूं जो ट्रूथ है उसका साथ दूं या फिर मैं सबको खुशी करता करूँ मैंने बहुत समय पहले फैसला किया कि यह कोई बात नहीं मुझे अपनी पोजीशन खुल के लेनी होगी मैंने अपनी पोजीशन खुल के ली बहरहाल वो आपको पता है मेरी पोजीशन क्या है अक्षय कुमार जी अब इस अपने वीडियो में कहते हैं कि भाई ये हम जानते हैं कि ठीक है बॉलीवुड में ड्रग्स का मसला भी है और भी इश्यूज़ हैं लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि सारे आर्टिस्ट वैसे हैं आप सबको ऐसा ना करें और याद रखें आप ही ने हमें बनाया है वगैरह वगैरह ये जो जितने सेलिब्रिटीज़ हैं ये सब कहते तो यही हैं कि आपने हमें बनाया आपने हमें बनाया लेकिन रियलिटी ये है कि ये अपने ही ऊपर ध्यान देते हैं बातचीत मैं आज कर रहा हूँ एक अनएक्सपेक्टेड सुपरचैट लाइव में और मैं ख़ुद ही इस वक्त इसको ऑपरेट भी कर रहा हूँ आज संडे का दिन है टोरंटो न्यूयॉर्क के इस वक्त के मुताबिक सुबह के आलमोस्ट ग्यारह बजने वाले हैं और भारत में रात के साढ़े आठ बजने वाले हैं मेरी कोशिश हुआ करेगी कि वीकेंड पे ये शो आपके साथ लाया करूँ उस पर जो आर्ट लिटरेचर और कल्चर के हवाले से जो बातें हैं वो आपके साथ शेयर किया करूँ आज जो मैं अनएक्सपेक्टेड शो आपके साथ लाया हूँ मैं आपका शुक्रगुजार हूं हूँ कि अभी भी सैकड़ों लोग साथ जुड़ गए हैं आईपीएल मैच भी हो रहा है वही खिलाड़ी वही सेलेब्रिटीज़ जो सोसाइटी में अब नॉन एसेंशियल हो चुके हैं वो अब दुहाई डाल रहे हैं कह रहे हैं कि हमारे साथ आ जाएं, मिल जाएं हमें आपका तावन चाहिए हमारी फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है बुक आने वाली है हमारे साथ मिल जाए बहुत अच्छी बात है मैंने पीछे कहा कि आर्टिस्टों का यही कहना होता है कि हम तो जी सिर्फ आर्ट के लिए काम करते हैं लेकिन दुनिया का जो सुझाव है वो तो सिर्फ आर्ट के साथ नहीं होता मैं ये नहीं कहता कि आर्टिस्ट पॉलिटिक्स में नहीं जाते पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं आते बनते अमेरिका हो भारत हो दुनिया भर में जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं सेलेब्रिटीज़ होते हैं स्पोर्ट्स के लोग होते हैं वो आते हैं पॉलिटिक्स में और अपनी अपनी पोजिशन भी लेते हैं लेकिन जो प्लेयर होते हैं आर्ट स्पोर्ट्स की दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ मोस्ट ऑफ देम जब तक वो कमाना चाहते हैं पैसा वो चाहते हैं कि खामोश रहें कोई पोजीशन ना लें और अगर पोजीशन लें भी तो एक्सट्रीम लेफ्ट की लें क्योंकि वो पॉपुलर वर्जन होता है लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखें तो भारत अब उठ खड़ा हो रहा है भारत के लोगों को एहसास हो रहा है कि हमें इर के साथ क्रश किया गया अक्षय कुमार एक अच्छे ख्याल के आदमी है लेकिन वो भी उसी रंग में रंगे हुए हैं मुसीबत यह है, है कि हमारे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं वो अपने फायदे तो लेना चाहते हैं लेकिन जब समय आता है किसी बात पर पोजीशन लेने का तो पोजीशन इसलिए नहीं लेते कि उन्हें खतरा होता है कि लोग कुछ इस तरफ के नाराज़ हो जाएंगे उस तरफ के नाराज़ हो जाएंगे हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी हमें लोग अपने साथ नहीं मिलाएंगे बातचीत हम कर रहे हैं टैग टी सुपर लाइव चैट में अनएक्सपेक्टेड में वीकेंड का ये शो आपके लिए लाया हूँ और मुझे दोस्त Uh, बहुत सारे सैकड़ों साथियों ने इस वक्त ज्वाइन भी कर लिया है जबकि आई पी एल भी चल रहा है और इसके साथ साथ कमेंट्स भी दे रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं डोनेट भी कर रहे हैं और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप टैग टी वी को अपने ऑल्टरनेट नरेटिव परिवार के लिए ट्वेंटी फोर सेवन कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पेपॉल डॉट मी स्लैश टैग टी वी इंटरनेशनल वीकेंड पे आपके साथ एक बहुत बढ़िया सा शो लाया करेंगे और आज मैंने शुरुआत अनएक्सपेक्टेड की है इसी अनएक्सपेक्टेड बातचीत में हम बातचीत कर रहे थे अक्षय कुमार के वीडियो को रेफरेंस बना के मैंने अभी बात की मैं रात को वीकेंड का ये दो दिन है मैं रात को आई पी और नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे बहुत सारी फ़िल्मों को चेक कर रहा था तो तेहरान नाम की एक जो सीरियल है वो मैंने देखना शुरू किया अभी तक उसके शायद चार या पांच एपिसोड आए हैं अभी और एपिसोड्स का इंतज़ार है इसराइल की एक इंटेलिजेंस एजेंट ईरान में जाती है बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है बहुत ही आप मेरा ख़्याल आई पी टी वी पर है अगर आपके पास आई पी टी वी हो ज़रूर देखें और वो वहाँ पर जाके स्लिप होती हैं और अब तहरान की पूरी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ उनके पीछे लगी हुई हैं और उसमें सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसियों की बात नहीं है समाज की बात है बहुत सारे जूस ऐसे हमारे साथी थे जो रह थे ईरान में ईरान के ब्रूटल सो कॉल्ड इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद उन सबको भागना पड़ा इसराइल चले गए बहुत अच्छी वो फारसी बोलते हैं तो वो एक समाज भी साथ दिखा रही हैं वो जो इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं इसराइल की जो ईरान में गुम होती हैं अपने मिशन पर वो बहुत उम्दा फारसी बोलते हुए अपने पुराने रिश्तेदारों से भी मिलती हैं वो बहुत ही खूबसूरत एक है सीरियल आप ज़रूर देखें इसी आर्ट की दुनिया में मैंने कुछ हफ्ते पहले लीला नामी एक फिल्म भी देखी थी एल ई आई एल ए भारत के बारे में हमारी कनाडा में रहने वाली भारतीय औरिजन की प्रोड्यूसर दीपा मेहता जी ने उसको प्रोड्यूस किया है डायरेक्ट किया है कहना चाहिए उनकी डायरेक्शन बहुत बढ़िया होती है लेकिन वही जो अक्षय कुमार का मसला है वही शायद दीपा मेहता का है ये सब वो लोग हैं जो चाहते हैं कि अपने सुपर नेरेटिव को आगे लेकर चलें, और वो ये चाहते हैं कि जिस तरह उनकी आंख इस दुनिया को इस समाज को इन आइडियोलॉजीज को देख रही है उसी तरह आप ही देखें अब दीपा मेहता ने वो जो एक राइटर हैं उन्होंने एक डिस्टोपिया काइंड काइंड ऑफ नावल लिखा उनका यही क्लेम है उसमें उन्होंने ये दिखाया कि हिंदुत्वा जो है वो अगले दस बीस सालों में भारत को खा जाएगा सारी जो वहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं खासतौर पर जो मुस्लिम्स हैं वो वहाँ पे अछूत बन जाएंगे ये उनका डिस्टोपिया या उनका ये एक तरह से विजनरी भारत है दस बीस साल बाद का और वो ये दिखाते हैं संघ का नाम लिए बगैर आरएसएस का नाम लिए बगैर बीजेपी का नाम लिए बगैर वो ये दिखाते हैं कि अब हिंदुत्वा का राज होगा और भारत बर्बाद हो जाएगा ये नेटफ्लिक्स पर फिल्म चल रही है मैंने कुछ हफ्ते पहले देखी थी मैं सोचने लगा कि ये क्या नेगेटिव है क्या इनको रियलिटीज का पता है या ये अपने प्रोपगेंडा को अपने पर्सनल डिस्टोपिया को ये जनता पे थोपना चाहते हैं लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की ये जो आवाम है ये अब बहुत बदल गई है बहुत बदल गई है मैं अपने स्क्रीन पे देख रहा हूं बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं दो साथी हमें डोनेट भी कर रहे हैं और हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं यहाँ पे क्वेश्चन भी आ रहे हैं और सजेशन्स भी आ रही हैं विशाल कोथरी साहब ने कहा है कि आप किसी वक्त विभाव सिंह साहब को लीजिए मैं ज़रूर उनको लूँगा बहुत बहुत बढ़िया आपकी फरमाइश है मैं आज अपने व्यूज़ को बताना चाहता हूँ कल के शो को जो मंडे का शो हमारा लाइव शो पर चैट भारत के समय के मुताबिक रात 10 बजे होगा मेरे साथ लाइव होंगी शाजिया इल्मी साहिबा बहुत ही बहुत ही क्लैरिटी ऑफ थॉट रखने वाली पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं पॉलिटिशियन भी हैं और भारत की एक ग्रेट डॉटर भी हैं और बहुत ही बहादुर हैं हम उनके साथ बातचीत करेंगे हम चाहेंगे कि इसी तरह साथियों को लेते रहें आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं आज आपका बहुत समय नहीं लूँगा सिर्फ पंद्रह बीस मिनट और बातचीत होगी आपके सवाल भी आ रहे हैं एक सवाल मुझसे ये पूछा जा रहा है कि ताहिर जी आप ये बताएँ कि ये जो आप बता रहे हैं कि ये साथी जो अक्षय कुमार जैसे अपने ही मफाद के लिए बात करते रहते हैं कब ये ग्रो अप हो के पोजीशन भी लेंगे जिस तरह कंगना ने ली है अब कंगना की जब बात आती है तो मेरे अपने साथी टोरंटो में रहने वाले मेरे अपने टैग टीवी में मेरे जो साथी हैं वो ये कहते हैं कि आप समझते नहीं हैं कि भारत में इंदो जो है ना वो बहुत बढ़ गया कंगना उनकी लाइन को टो कर रही हैं जब अक्षय कुमार जी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू किया था तो अक्षय कुमार जी पर भी यही एलिगेशन लगे थे मुझे अच्छा लगा था वो इंटरव्यू उन्होंने पोजिशन ली थी अगर जो उन्होंने तब भी अपने इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू ये कहा था कि भाई मैं जो भी बातें कर रहा हूं ए पोलिटिकल कर रहा हूं लेकिन course, जब आप किसी भी प्राइम मिनिस्टर के साथ या बड़े पॉलिटिशियन के साथ बैठेंगे तो आप कितना कि पोलिटिकल हो सकते हैं वेलकम व्यूर्स टैग टीवी लाइव सुपरचैट में मैं आपको एक बार फिर खुश आमदेद कहता हूं हम एक छोटी सी ब्रेक पर गए और ये आज का जो टैग टी वी लाइव सुपर चैट है बहुत अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए भी और मेरे लिए भी मैं एक तरह से एक्सपेरिमेंट भी करना चाह रहा था और साथ साथ ये सोच रहा था कि ऐसे मौजूद पे ऐसे सब्जेक्ट्स पे बातचीत करूं जो थोड़े से वही जो अक्षय कुमार कहते हैं थोड़े से ए पोलिटिकल भी हो मगर हम उसको तमाम एंगल से देखें देखिए लाइफ जो है ना वो अलग से नहीं होती पॉलिटिक्स अलग से नहीं होती सोशल फैब्रिक सेपरेट नहीं चलता आर्ट अलग से नहीं चलता सब चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं हम में से जो ये क्लेम करता है कि हम अलग अलग, अलग जिंदगी को अपने खानों में बांट देंगे ऐसा मुमकिन नहीं होता तो यही हम आर्टिस्टों से कहते हैं कि वो पोजीशन लें मैं बातचीत कर रहा था ब्रेक से पहले फिल्म लीला के हवाले से बात मेरी उस पर मुकम्मल हो गई थी लेकिन आर्ट में हमने ये देखा कि हम इसमें एक आई कैंडी बनाते हैं फिल्मों में ख़ास तौर पर कि ठीक है अच्छी फ़िल्म बन गई पैसे आ गए वाह वाह हो गई और उसके बाद हम कोई पोजीशन नहीं लेंगे और अगर कभी पोजीशन लेंगे तो इस तरह की लेंगे कि सी ए का प्रोटेस्ट हुआ तो आ गए हम बार हमने कहा जी ह्यूमन राइट्स के वाइलेशन हो रही हैं अब भाई आर्टिस्ट नहीं हर चीज़ की डेप्थ में जा सकते वो फिलासफ़र नहीं है मीडिया के नहीं है वो पॉलिटिक पॉलिटिक्स को नहीं समझते इंटरनेशनल अफेयर्स को नहीं समझते बहुत काम आर्टिस्ट होते हैं अनुपम खेर जैसे जो इन चीज़ों को समझते हैं मोस्ट ऑफ देम डू नॉट अंडरस्टैंड लेकिन उनका यही क्लेम होता है कि वो अब चूंकि सेलिब्रिटी हैं दुनिया पे छा गए हैं और दुनिया की हर चीज़ पे वो अथॉरिटी बन गए हैं बहरहाल अब लीला फिल्म में यही काम किया डायरेक्टर ने भी राइटर ने भी प्रोड्यूसर ने भी कि एक प्रॉपरगेंडे को पेश किया और ये कह के कि हम बड़ा समाज का भला चाहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा क्लेम होता है आर्टिस्टों का कि हम समाज का बला चाहते हैं अक्षय कुमार जी ने भी कहा अपने इस वीडियो क्लिप में कि बॉलीवुड ने क्या अच्छा काम नहीं किया समाज को अवेयर करने के लिए भाई कहीं कहीं किया है लेकिन बेसिकली तो आप सबका बिजनेस था ना और इस बिजनेस के पीछे तो यही जनता थी आपकी क्वेश्चन भी आ रहे हैं कंसर्न्स भी आ रहे हैं कमेंट्स भी आ रहे हैं लोग कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आज के इस शो में और मैं कल से आपको वीकेंड के इस शो का एग्जैक्ट टाइम भी दिया करूँगा लेकिन आज मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ तो बहुत थोड़ी बातें और इसमें मैं करूँगा अभी बातचीत की मैंने इस हवाले से कैसे हमारे आर्टिस्ट अपनी पोजीशन नहीं लेते और फिर क्लेम्स उनके बहुत बड़े बड़े होते हैं मगर कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी हैं कुछ राइटर ऐसे भी हैं मैं उनका आज तस्करा करना चाहूँगा चीन के इस वक्त बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो एग्ज़ाइल में रहते हैं जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े बड़े जो डर्टी बैगेज़ हैं उनको दिखा रहे हैं दुनिया को बता रहे हैं कि ये कितनी डिक्टटोरियल रचीम है माँ जिया एक ऐसे ही राइटर हैं जो इंग्लैंड में रहते हैं उनकी किताब है चाइना ड्रीम या आप गूगल कीजिए उनकी किताब को रेड डस्ट के नाम से नॉवेल्स हैं उन्होंने मकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया वीकेंड पे आप इस तरह की किताबें जरूर पढ़ें क्योंकि आप सब खासतौर पर मेरे जो व्यूअर्स हैं जो मेरे साथी हैं वो सब समाज को बहुत एस्पेक्ट्स के साथ देखते हैं वो समाज को देखते रहते हैं कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है पॉलिटिकल एक्टिविज्म के साथ सोशल एक्टिविज्म के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ और आर्टिस्टिक परसुएशन के साथ आर्टिस्टों की तरह जो सेलिब्रिटीज़ खासतौर पर आर्टिस्ट हैं उनकी तरह नहीं देखते बड़े हम आर्टिस्टों के बारे में कहा जाता है हम बड़े सेंसिटिव होते हैं बड़े नरम दिल के मालिक होते हैं लहजा हमारे दिल ना तोड़ा करें यह भी आर्टिस्टों का होता है मैं खुद आर्टिस्ट हूँ तो मैं अपनी तरफ से भी ये कह रहा हूं लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन रखने के लिए बस ऐसा करें जब किसी सेंसिटिव मसले पर जिस मसला पर पूरी सोसाइटी गुजर रही है उस पर हम बात ना करें और जब बात करें तो फिर वन साइडेड करें ठीक है वन साइडेड करने वाले हैं लोग जिस तरह आप सोचेंगे आप उस तरह बात करेंगे तो आप वन साइडेड होंगे बिल्कुल ठीक है मैं जिस तरह सोचता हूँ बात करता हूँ एनालाइज़ करता हूँ मुझे भी जो मेरे ना मानने वाले वन साइडेड कहते होंगे लेकिन सबको उसका रूम तो मिलना चाहिए अगर आप सेलिब्रिटीज अपनी बात करते हैं चूंकि आपके पास रूम है आपकी जो आउटरीच है बहुत बड़ी है तो दूसरों को भी तो बात करने का हक हाँ है उनको भी बात करने दें अक्षय कुमार जी अगर कंगना ये मसला उठाती हैं और दूसरे इदारे उठाते हैं तो आप भी इस मसले को समझे पहले तो आप चुप हैं लेकिन अब आपको ख्याल वक्त थोड़ा सा मैं टच भी कर दूं थोड़ा सा आगे भी बढ़ूं अक्षय कुमार जी से हमें उम्मीद है कि वो थोड़ा सा और ग्रो करेंगे वो एक अच्छे ख़्याल के साथी हैं उनमें ये है पोटेंशियल कि वो चीज़ों को बड़े कैनवस और पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं मेरा ये ख्याल है हो सकता है, ना देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं साथी हमें डोनेट भी कर रहे हैं और हमारा साथ भी दे रहे हैं एक अनएक्सपेक्टेड शो है कंट्रीब्यूशन भी हो रही है और आ, मैं देख रहा हूं कि यहां पर जो पे पॉल डॉट मी स्लैश टैग टी वी इंटरनेशनल है उस पर आप ट्वेंटी फोर सेवन हमें डोनेट कर सकते हैं आज के सुपरचैट में मैं बातचीत कर रहा हूँ इस रेफरेंस में कि हमारे आर्ट कल्चर के साथ ही हमारी सोसाइटी में क्या किरदार अदा करते हैं क्या उनका किरदार सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी अपनी सेलेब्रिटी के लिए होता है या वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी करते हैं कंट्रीब्यूट क्या वो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स की सूरत में करते हैं या वो सिर्फ और सिर्फ फैशनी पोलिटिसन में अपने आप को डालते हैं बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं बहुत सारे साथी हमें हमारा साथ दे रहे हैं टैग टी के paypal .me, पे पॉल डॉट मी टैग टी वी इंटरनेशनल पर जाके आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ट्वेंटी फोर सेवन हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में टैग टीवी को और वाइब्रेंट करें और हम और इसको आगे लेकर चलें आज का ये शो अनएक्सपेक्टेड आप तक आ रहा है संडे का दिन है इस वक्त टोरंटो न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में भारत में संडे की रात है और यूरोप में लेट आफ्टरनून और इवनिंग का वक्त है यहाँ पर मौसम बदल रहा है यहाँ पर अब मौसम सर्दियों की शुरुआत का एहसास दे रहा है हमारे एक दोस्त शुाबन अज़ीज़ का शेर है कि अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में तो उदास ना होइएगा सर्दियाँ थोड़ी सी उदास करती हैं और ख़ास तौर पर जब अमेरिका कैनेडा यूरोप में बर्फ़ें पड़ती हैं और भारत के हिमालिया कि चोटियों पर बर्फ़ें पड़ेंगी तो उस वक्त उदासी भी होती है और एक ख़ास तरह का स्कूत भी होता है इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप संडे की मॉर्निंग में भी वाल्टर रीट मेडिकल सेंटर में हॉस्पिटलाइज है उनका कल वीडियो भी सामने आया था जिसमें उन्होंने बातचीत की उस वीडियो को जब मैंने देखा वीकेंड के मौका पर तो मुझे एहसास हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प सिर्फ दो दिन में ही थोड़े से मुरझाए हैं अगरच उनकी स्पिरिट बहुत अच्छी लग रही थी मगर ये बड़ा ही ख़तरनाक वायरस है इस सबसे बचना हम सबको ज़रूरी है और अपने अपने वीकेंड्स को जहाँ जहाँ हम जिस जिस समय में जीते हैं हमें उसको बहुत मीनिंगफुल बनाए रखना है मैं बातचीत कर रहा था अक्षय कुमार के वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में और वीकेंड के हल्के फुल्के मूड के कॉन्टेक्स में आप हमें बहुत सारी यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन अपने क्वेश्चन कंसर्नस की सूरत में दे रहे हैं एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉटेंट मेरे सामने आया कि ये बताइए ताहिर जी कि क्या कोविड के बाद बॉलीवुड या दुनिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वापस अपने कदमों पर खड़ी हो सकेगी मेरा यही ख्याल है कि ज़रूर खड़ी हो सकेगी और ज़रूर खड़ी होना चाहिए ज़रूर इसको मजबूत होना चाहिए आवाम के साथ इनका बहुत साथ है मगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी अब समझना चाहिए अपनी जो एरोगेंस है उसको अब ख़त्म करना चाहिए और जनता जो उन्हें सपोर्ट करती है जो उनका साथ देती है उनको भी जनता का साथ देना चाहिए जैसे मैं बार बार कंगना का जिक्र कर रहा हूँ वो साथ देती हैं ठीक है कंट्रोवर्सी बनती है उनकी भी कंट्रोवर्सी होती है बहुत उनको चाहते हैं कुछ नहीं भी चाहते दैट्स फाइन लेकिन आप कोई पोजीशन तो लेना मैं ये नहीं कहता कि भारत में अगर आप रहते हो तो मोदी सरकार या मोदी सरकार की पॉलिसियों के हक हाँ में बात करें मगर जो जनता की मेजोरिटी की एस्पिरेशंस हैं उसको तो सुनिए सरकारों को ना सुनिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को ना सुनिए जनता की मेजॉरिटी की जो एस्पिरेशंस हैं उनको इन सेलिब्रिटीज़ का एहतराम करना चाहिए उन एस्पिरेशंस को इन सेलिब्रिटीज़ का फ़र्ज़ है कि वो माने क्योंकि ये ये सेलेब्रिटीज़ उसी जनता की वजह से हैं बहरहाल आज का जो हमारा सुपर चैट लाइव है ये अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए मगर फिर भी मैं देख रहा हूँ सैकड़ों सैकड़ों दोस्त जुड़ चुके हैं वही बात मैं तो खैर कोई सेलेब्रिटी नहीं हूँ जो मैं सेलिब्रिटी से कह रहा हूँ मैं बहुत छोटे लेवल पे अपने आप से कह रहा हूँ क्योंकि मैं कभी भी सेलिब्रिटीज़ नहीं हूँ ना बनूँगा ना हूँ मैं आप तक अपनी बात पहुँचाता हूँ आपकी बात सुनता हूँ और हमारी ये जो बातचीत है ये सुपर लाइव चैट है और इस सुपर लाइव चैट में हम और आप इंगेज होते हैं कल का शो जो मंडे का शो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइव सुपर चैट में मेरे साथ शाजिया इल्मी जी जुड़ी होंगी और आप टैग टीवी को अपने कमेंट्स अपने क्वेश्चंस अपनी डोनेशंस कंट्रीब्यूट लाइव चैट में कर सकते हैं उसके साथ साथ जो सबसे बढ़िया जरिया है वो पे पॉल पेपॉल, पेपॉल. डॉट मी स्लैश टैग टी इंटरनेशनल है कोई ख़ास आपकी तरफ से सवाल हो तो ज़रूर मुझसे पूछिए और मैं आखिर में यही कहूँगा आपसे चंद मिनट मेरे पास रह गए हैं और आपके साथ मैं चंद मिनट शेयर करता हूँ और आपके चंद मिनट और लेता हूँ उसमें ये कि आर्ट कल्चर और बुक्स के इस दुनिया के साथ हम बहुत बढ़िया तौर से कोविड नाइनटीन के ज़माने में जुड़े हमारी सोशलाइजेशन कम हो गई हमने अपने आप को बहुत मुख्तलफ़ अंदाज की ज़िंदगी में देखा और हमने सिनेमा में अगर जा के फ़िल्में नहीं देखी तो घरों में बैठ के फिल्में देखी पहले हमारे पास इतना वक्त नहीं होता था ज़िंदगी की भागम भाग में कि हम उन फिल्मों पर क्रिटिकल होकर सोच सकें अब हमारे पास वक्त मैसर हुआ इस कोविड ने जब हमें लॉकडाउन में डाल दिया और अभी तक ज़िंदगी रिस्ट्रिक्शंस में पूरी दुनिया में चल रही है तो हमें एहसास हुआ कि हम सिर्फ और सिर्फ आर्ट कल्चर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एंटरटेनमेंट की हद हाँ तक न देखें अपने साथ जो हमारी रेलेवेंसी बनती है या इनकी जो हमारे साथ रेलेवेंसी है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी देखें और भारत में सुशांत सिंह की हलाकत जिस तरह हुई या मर्डर जिस तरह हुआ उसने भारत को झंझोड़ के रख दिया यहां पर मेरे कुछ करीबी दोस्त भी कहते हैं यह पॉलिटिकल स्टंट है जी ये ऐसे ही बना दिया मैं ये कहता हूं कि कुछ भी हो एक अवेयरनेस क्रिएट हुई कि ऑल भारत में ये जो सेलिब्रिटीज का कल्चर है इसके साथ साथ कितनी बुराइयां भी जुड़ी हुई हैं अगर कुछ अच्छाइयां भी हैं बहुत सारे क्वेश्चंस उठे शाहरुख खान हो आमिर खान हो नसीरुद्दीन शाह हो, बहुत सारे लोग उन सब पे ये क्वेश्चंस उठे कि आप हमें सेकुलरिज्म के नाम पे हमसे हमारी सिविलाइजेशन छीनना चाहते हैं यानी हिंदू सिविलाइजेशन को और उससे दूर करना चाहते हैं हिंदू सिविलाइजेशन और हमारी सनातन धर्मा की सिविलाइजेशन चाहे आप का फेथ मुस्लिम हो चाहे आपका फेथ सिख हो चाहे फेथ कुछ भी हो हम सब की सिविलाइजेशन हिंदू सिविलाइजेशन सनातन धर्मा की सिविलाइजेशन है इस सिविलाइजेशन के अंदर इतना बड़ा आठ मौजूद है इतने बड़े बड़े किस्से मौजूद हैं इतनी बड़ी बड़ी हकीकतें मौजूद हैं हम इससे दूर नहीं जाएंगे हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक प्रॉपगेंडे के जरिए हमें इससे दूर ना करे ये थे आज के मेरे थोड़े विचार आपके साथ टैग टीवी सुपर लाइव चैट में आपने मेरी बातें सुनी एक अनएक्सपेक्टेड शो में आपके लिए लेकर आया लेकिन मैं आपका बहुत धन्यवाद हूँ आपने इसको भी देखा और मेरी थोड़ी सी बेतरतीब बातों को थोड़े से रब्त के साथ भी सुना मेरी कोशिश थी कि मेरी ये बेतरतीब बातें भी अपने रब्त के साथ रहें और वो शायद रही हैं कल के शो की मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ शाजी अलमी जी के साथ हमारा शो देखिएगा लाइव सुपर चैट में रात दस बजे आप टैग टी को ट्वेंटी फोर सेवन डोनेट कर सकते हैं पे पॉल डॉट मी स्लैश टैग टी इंटरनेशनल मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारा बहुत साथ देते हैं और सुपर चैट लाइव में हमें यह अंदाज़ा हो रहा है कि आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं हैव अ वंडरफुल वंडरफुल इवनिंग वंडरफुल डे सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन